हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए, मम्मी बाहर बैठी हैं मॉर्निंग के टाइम में। अभी तो नहीं बनेगा ना ये। और ये भाभी खड़ी हैं साथ में। अभी ये नहीं बनाएंगे, शाम को बनाएंगे। मम्मी से मैंने पूछ रही थी तो मम्मी बोले शाम को बनाएंगे, अभी रख देते हैं करके ऐसे ही। तो ये भी मम्मी साफ करने में लगी हुई हैं। और ये इसमें मैं पानी भर के थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा ली पर पोंछा लगाना है। सो अब मैं इसमें इलाइजोल थोड़ा सा डाल लेती हूँ और फिर मैं इससे पोंछा लगाऊंगी। और ये देखो फ्रेंड्स, मेरा पानी गर्म हो रहा है ताकि मैं अपना पोंछा वगैरह लगा के नहा लूंगी सीधे। अभी मैं नहाई नहीं, बट ये सब करने के डस्टिंग करने के बाद मैं नहा लूंगी। और देखिए, ये देखिए एंजल अभी सो रही है, अभी नहीं उठी। जिगर अभी उठा, लेकिन एंजल नहीं उठी। और देखो कुछ रोने सा मुंह कर रही है, और शायद ये उठेगी और उठने के बाद ये रोना शुरू करेगी। मुझे मालूम है, अगर उठती है तो, और नहीं उठेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं। छो जाओ छो जाओ। वैसे तो 10:30 हो गई है। बेटो बेटा आओ आओ, गोदी लो। आए, वीडियो बन रही है। देखो एंजल सो के उठ गया मेरे बाबू ना। ओ मान ले बेटा, छोड़ना। फिर सो के उठ गई। और अब देखो लो ले वैसे उठ गई है। ओरे ओरे ओरे, मम्मा के पास, मम्मा के पास जाओ 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 जाओ। फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और अब ये यहाँ पे ना मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। ये ब्लाउज मेरी मम्मी का है तो ये ब्लाउज मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि घर में कुछ फंक्शन होने वाला है तो उसी की तैयारी चल रही है, तो इसलिए ये मम्मी का ब्लाउज सिल रही हूँ। अभी मुझे चाची का ब्लाउज सिलना है, उनके 4 ब्लाउज, और मम्मी भाभी का भी एक ब्लाउज स्टिच करना है। तो मैंने सोचा पहले मेरी मम्मी का स्टिच कर लेती हूँ, फिर उन लोगों के करूँगी। तो ये मैं मम्मी का ब्लाउज जो है वो भी उसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये देखो एंजल आ गई मुझे परेशान करने के लिए। मुझे परेशान बार बार कर रही है, कभी किसी से काटने को हो रही है तो कभी उसके ऊपर ही चढ़ जा रही है, जाती भी नहीं उसको हटाने पे, और यहीं बैठी है और परेशान करी। हटाओ तो फिर रोती भी है। तो कैंची के साथ देख रहे हो क्या कर रही है, हटाने पे रो रही है। अब देखो ये तो काट के रहेगी लगता है। बच्चों का होता है ना कि जहाँ बैठते हैं वहीं बैठते हैं, उनको मतलब अच्छा लगता है। देखो मुझे बहुत परेशान कर रही है ये, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ इसको ले जाओ इसको ले जाओ, बट मम्मी भी कुछ काम कर रहे थे तो मम्मी बुला रहे हैं, बट ये जा नहीं रही है। एक बार ले भी गई थी तो फिर ये आ गई, रो के वापस आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रहने दे, बैठे रहने दो यहाँ पे। देखो भाग गई कैची लेके मेरी। देख लो इसकी शरारतें, कैसे शरारतें कर रही है। देखो जानबूझ के कर रही है ये, ऐसी परेशान करती है मेरे को। देखो देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ना मैं पानी गर्म कर रही हूँ, और जैसे पानी थोड़ा उबल उबल जाएगा, मतलब फिर मैं इस वाटर में इसको डाल दूंगी। और उसके बाद ये कम से कम 2-3-4 घंटे तो मान के चलो इसमें गर्म रहता है। और उसके बाद मैं तुलसी इसमें मतलब पानी मिला के आधे ग्लास पानी में 3-4 बूंद तुलसी अर्क की डाल दूंगी, और फिर उसको मैं पीऊंगी, 2-4 बार पीऊंगी सोने तक, क्योंकि क्योंकि मुझे ना जुकाम हो रही है, मैं जुकाम जा नहीं रही, तो इसीलिए मैं मतलब 3-4 बार लूंगी तो उससे ठीक हो जाती है, बहुत हद तक ठीक होती है। कल मुझे बहुत ज्यादा थी, फिर मैंने 2-3 बार से लेके सोई थी तो मुझे सुबह उठने में काफी आराम था, तो फिर मैं यही करूंगी। कल मुझे बहुत ज्यादा जुकाम थी तो मैंने यही लिया, 2-3 बार मैंने लिया इस तुलसी को गर्म जल में, यानी गर्म पानी में, तो मेरी जुकाम काफी हद तक ठीक हुई है। सो मैं आज भी यही काम करने वाली हूँ, ताकि
जो बच्ची खुद से जुकाम में ठीक हो जाए। और सच्ची ये बहुत अच्छा है पर बहुत कड़वा लगता है, तो मैं बहुत मतलब जल्दी लेना नहीं चाहती पर बहुत ज्यादा मैं जो प्रॉब्लम होती है तो मैं ले भी लेती हूँ। देखो मैंने कैप वगैरह सब डाल लिया, स्टॉल वगैरह ले लिया, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी भी लगती है और जुकाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत एलर्जी है, विंटर से बहुत ज्यादा एलर्जी है। कल तो मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल। तो कल मैंने इतनी मेडिसिन ली, तब भी आराम नहीं आता, बट लास्ट में मैंने ये जब ये तुलसी अर्क शायद बोलते हैं, हाँ तुलसी अर्क था ये जो मैंने लिया, तो फिर मुझे बहुत आराम आया। मैंने 2-3 बार लिया था और मैं आराम से सोई भी थी और सुबह भी अच्छे से उठी मैं, इसीलिए सब मैंने पहन लिया। और मैंने ये नीचे दिखाती मैं भी आपको, ये मैंने पहनी है जो क्या है ये विंटर, ये देखो मैंने घर पे बनाई हुई जो जुराब होती है उनकी वो पहन रखी है, ताकि भाई कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी घर में रहो ठंड नहीं लगती है। और स्टॉल ले रखी है और क्या रखी है। देखो फ्रेंड्स ये पानी गर्म हो गया मेरा जितना मुझे चाहिए और अब मैं इसको इसमें डालूंगी। देखो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने यहाँ तक का भर दिया, आपको दिख रहा होगा। और अब इसको मैं थोड़ा सा ये बंद कर देती हूँ। एक्चुअली हाथ से मैंने थोड़ा मोबाइल पकड़ा है तो फिर इस वजह से एक हाथ से मैं कर रही हूँ, जैसा आपको दिख भी रहा होगा इसके अंदर बॉटल के अंदर। और ये कुछ पानी मैंने लिया, थोड़ा ठंडा पानी मिलाऊंगी और फिर वो मैं डालूंगी। देखो फ्रेंड्स इतना पानी लिया मैंने और उसमें मैं 2 या 4 बूंद डालूंगी, 2-3-4 और इसको ना मैं 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, 5 मिनट ऐसे रख दूंगी ताकि अच्छे से मिल जाएगा 5 मिनट पानी। फ्रेंड्स 5 मिनट तो होती ही मिल गया, अब मैं इसको जैसे चाय पीती हूँ फिर अब ले लेके वैसे पीऊंगी, ताकि थोड़ा गर्म गर्म रहेगा तो गसरी कुकर नहीं आएगी। जब ले लेके पीना है इसको और धीरे धीरे पीना है, और मतलब बहुत अच्छा है पीने का, काफी अच्छा सा रिजल्ट मैंने किया। आप लेकिन इससे ज्यादा नजरिए के भी खर्च के पैसे लेना चाहिए कुछ हद तक, मतलब कुछ हद तक करें उस दिन तो कम खराब आएंगे, तो चाहे दोबारा हो जाए, वो रेगुलर पियोगे तो खत्म भी हो जाएगा, पर मैं रेगुलर पीती हूँ कड़वा सा लगता है। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, बाय।